है सालू, आज तू भी खेत में नहीं गया हरामी। आज छुट्टी है, अभी तो छुट्टी कर लेंगे ब्रो। शेख भाई, अब तो मामू तुम्हारी शादी करा देंगे, फिर तो साथ साथ रिहा करेंगे। साथ साथ तो रहेंगे, जो औरत अपने शोहर को 5 जूत रोज मारेगी है, इनकी कितनी बदनामी होगी, इनके साथ साथ हमारी कितनी बदनामी होगी। भाभी तुम चिंता मत करो, मैंने भी साली का हिरन ना बनाया तो मेरा भी नाम शेख चिली नहीं। बस एक बार मामू मेरी शर्त पूरी करवा दे, फिर मैं ना जानी। हाँ क्यों सलमू, सही बात है। बेटा रे, तेरी एक एक चीज मिलेगी, बस आगे तू जान कि तू आगे क्या करेगा। हमने तो कभी नहीं सुना जो 5 जूत रोज अपने पति के मारे। या अल्लाह, कैसा जमाना आ गया ये। ठीक है होने दे जो हो रहा, तू खाना बना चल के, हमें भूख लगी है, अभी आते हैं हम। चलो ठीक है, चलो 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 घूम के आते हैं। बेटे मामा ने खुशखबरी दे दी। अबे शादी के 6 दिन रह गए, तैयारी भी करनी है। अब तू बैठा बैठा मेरा मुंह का टुकड़ टुकड़ देख रहा, चल पानी ले जा। पता नहीं क्या होगा शेख चिल्ली का। और कैसे हो भाईजान, कैसा चल रहा है काम धाम? पहले वाला तो काम भाईजान बंद कर दिया, अब एक नया टीवी का काम चालू करा है, देखते हैं ऊपर वाला कैसे करता है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है सलीम भाई? भाई ठीक है भाईजान, आप भी ठीक हो? हाँ जी ठीक है। कैसे खड़े हो यहाँ पे? खड़े क्या है भाईजान, मैंने सुना है कि 5 जूते वाला रिश्ता तुमने अपने दोस्त से करा दिया है। भाई जब हमारे शेख जी राजी हो गए तो रिश्ता भी हो गया। खामोश चपड़ गंजू, जब ने रिश्ता किया तो किया। वैसे रिश्ता था बड़ा बेइज्जती वाला, लेकिन मेरे अब्बू ने सालों को मार मार के भगाया। भाईजान मैंने भी साली को सबक ना सिखाया ना, तो मेरा भी नाम शेख चिली नहीं। तुम क्या सबक सिखाओगे, जब 5 जूते रोज पड़ेंगे ना तो गाँव का सर भी शर्म के मारे झुक जाएगा। गाँव का सर झुकेगा या उठेगा ये तो वक्त बतलाएगा। देखो जी, तुमने पहली बार अच्छा काम किया है, मेरी रुखसाना को अच्छा शोहर दिलाकर। तुम कितने अच्छे हो। अच्छा तो मैं पहले भी था, पर तुम माँ बेटियों ने छोड़ा कहाँ? अम्मी एक बात और, उन्होंने तो दहेज भी नहीं मांगा, अब्बू तो बहुत सारा सामान देने से बच गए। मुझे सामान बचानी पड़ रही है, मुझे इज्जत बचानी भारी पड़ रही है, लोग क्या कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। देखो अगर एक नवस भी निकाला ना तो बिन बात के कुछ हो जाएगा। होना क्या है, बगैर टाइम के जूते मार लेगी, मगर मैं ऊपर खुदा से जाके पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो ये शेरनी मेरे पल्ले बांध दी। अच्छा चुप करो, दहेज का सामान लेकर आओ। अच्छा जा रहा हूँ, दहेज का सामान ही लेकर आऊंगा। शेर खान जी, काजी जी नहीं आए? काजी जी कहीं बाहर गए हुए हैं, मैंने लड़का भेजा था। बाहर गए हुए? यामीन भाई तुम तो कह रहे थे निकाह, मामू भी पढ़ा दे। हाँ मामू पढ़ा देंगे निकाह। मामू पढ़ा दे तो मामू को बुला लो। ठीक है मैं भी बुलाता हूँ। मामू, ओ मामू, ओ मामू, निकाह पढ़ा दे, वार हो रही है, पता नहीं इधर उधर घूमते रहे। मामू आ जाएंगे आ जाएंगे, तसल्ली। अस्सलाम वालेकुम। अबे कैसे चीख रहा है? निकाह पढ़ाने कह रहे हैं। मामू निकाह पढ़ा दो शेख चिल्ली का। अबे ये निकाह भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तुम पढ़ाते नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे प्यारे रसूल हैं। अब पढ़ो शेख चिल्ली वल जलालुद्दीन हमारे निकाह में रुखसाना बेगम वल शेर खान 2000 सिक्का राजुल वक्त बिना नाम नफ़े के 5 जूते सुबह को, क्या तुम्हें कबूल है? हाँ जी मैं कबूल करता हूँ,
ऐसे बोलो मैंने कबूल किया उसको। अच्छा जी, मैंने कबूल किया उसको। एक बार और बोलो। मैंने कबूल किया उसको। ठीक है, एक बार और बोलो। मैंने कबूल किया उसको। मेरे साथ चाहे 10 बेरा कमा लो। शाबाश, खड़े होकर सलाम करो। सलाम वालेकुम सबको, सलाम वालेकुम सबको, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम अस्सलाम, मुबारक, सलाम वालेकुम, मुबारक हो। बैठो बेटा, यहाँ बैठो। शेख जी, 5 जूत रोज लगा करेंगे, कबूल है? खामोश चपड़गंजू, 5 के जे 6 मार ले, मुझे कबूल है। भाई ये क्या 5 जूते रोज निकाम है? ये तो हमने पहली दफा सुना है। हाँ तो मौजी साहब, गाड़ी कौन सी मंगाई जाए? अजी गाड़ी क्या मंगानी, मैं तो यूँ कह रहा था कि घोड़ा बुकी मंगा लो। हमारा दामाद घोड़ा बुकी में जाएगा? ये बड़ी शर्म की बात है। शर्म की ऐसी तैसी में? हाँ शर्म की बात है, शर्म की बात है। हमें तो घोड़ा बुकी ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है मामू। घोड़ा बुकी ठीक है, घोड़ा बुकी मंगा लो। और वो बताओ कि हमारे जहेज का सामान कहाँ है? जहेज का सामान रखा है, एक भी सामान कम ना हो वरना मैं बिल्कुल निकाह नहीं करने वाला। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है तो जाओ, आप तैयारी करो। मुर्गी मुसल छाज भी और कनस्तर भी। कहाँ गए शेर खान जी, ये सामान नहीं लाए? ये ठीक है बाबू, बैठ जाऊं। बेटे की जान, ये सही है, खुले में चलेंगे साली। यामिन भाई बैठ जा, चल रहा आलमो, तू भी बैठ। लाओ ले भाई, ये पकड़, ये भी पकड़। मुर्गी कहाँ है? अच्छा इसमें है। मुर्गी पहले चाहिए? हैगी हैगी, ठीक है हैगी, इसे रख दो। ठीक है जी, तो तुम एक काम करो, लड़की को ले आओ, जाओ। सामान ले आए, बेगम को लाए नहीं। मेरी बारात इसमें जाएगी, बुग्गी में? बड़े शर्म की बात है। अच्छा, और जो तुम माँ बेटी करती हो बड़ी इज्जत की बात है। अम्मी अम्मी तो शेर खान जी। अच्छा प्रधान जी, कोई गलती सलती होगी तो माफ कर देना। अजी बस, आपकी बच्ची को अपनी बच्ची बना के ले जा रहा है। ठीक है मामू, बैठ लो, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे क्या हुआ बेटा, कैसे चीख रहा है? बात ये बेटा बेटा कर रहा, यू दहेज में मिली है ना मुर्गी, मिली हमारी इजाजत के बगैर बुग्गी से उतरी और कड़क कर रही है, बोल रही है शेख चिल्ली के सामने, बोल रही है साली मूसल दे,
क्या मान रही है सालिया? इसे मत मार, क्या मान रही है? छोड़ दे इसको, इसे मत मार, देगी दहेज जाएगी, बोल जा साली, मुंह से पट कर दूंगा, पट कर दूंगा साली, काट दूंगा गोबर साली, तुम भाग भाग साली, भूखी तरह पड़ी साली, जान बचा ली शेख सिली से, जान बचा ले, हैं निकल निकल साली, निकल बाहर, निकल मर गई, छोड़ो छोड़ो, इसे मर गई, चलो मर गई, ठीक है साली, हमारी इजाजत के बगैर बोल जा, वो भी दहेज की चीज, उससे खराब है, चल बैठ। हाय अल्लाह, ये तो मुर्गी को मार डाला, हाय अल्लाह क्या करूं, चलो मामू बैठो, चलो चलो जल्दी, कोई भी बोलगा मेरी दहेज की चीज, बोल जा शेख चिल्ली से, शेख जी इतना गुस्सा नहीं करते, तुम चुप रहो, बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मुझे पता कि तेरा गुस्सा खराब है, तेरे खिलाफ अगर किसी ने आवाज निकाल दी तो तू उसे जान से मार देता है, ये मुझे पता है, मार दूंगा जान से मार दूंगा, अब शांति से बैठे रहना, खामोश चपड़गंजू, हमारी इज्जत के बगैर कोई नहीं बोल सकता, शेख जी तुमने बहुत अच्छा करा ये काम, बहुत अच्छा, हाय अल्लाह कैसे जालिम आदमी मिल गया, मैं ना लूं इसके सामने पांच जूतों का नाम, वरना ये तो मुझे भी मार देगा, बेटा क्या कह रही है, कुछ नहीं, रोके शेख जी रोक दे, छाज गिर गया, उठा लो उठा लो, हमारी इज्जत के बगैर कैसे गिर गया, उठाने की जरूरत नहीं है मामू, मामू नहीं उठाने की जरूरत नहीं है, ये दहेज में हमें मिला ना, और मेरी इज्जत के बगैर गिर गया, हाँ बेटा ये तो ठीक है, गिर गया ना साला, बोलना भी गुनाह मेरी इज्जत, गलती हो गई, बोलेगा साले, बोलेगा फिर बोलना, गुड़गा बढ़ा देगा साले, बोलेगा बिगड़ इज्जत के, बोलेगा छोड़ो शेख जी, टूट गया वो तो, ये भी टूट गया साला, साला लगा, हाय अल्लाह ये आदमी है ये कसाई, अब्बू ने मुझे कहाँ फंसा दिया, या अल्लाह मामू मैंने जो कह दिया ना, मेरी जैसी बेगर जो बोलेगा साला बर्बाद कर दूंगा, फोड़ दूंगा साले, ऐसे तोड़ दूंगा मूसल की तरह ही, खामोश हो जा बेटा खामोश हो जा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, अबे कलस्तर कैसी आवाज कर रहा है ये, क्या आवाज कर रहा है, रुक जा, हाँ बेटा, अरे इसे उठा लो बेटा, उठा लो, उठा लो इसे तो उठा लो, एक तरफ हो जाओ, क्यों इसने आवाज करी बेटा, ये कीमती चीज़ है, उठा लो, इसने आवाज करी है ना, मुझे नहीं बता दो, यामीन यामीन भाई साहब पूरा हो जाएगा, लगड़ जाओ, पूरा हो जाएगा, मेरी बात सुनो, इसने आवाज करी है ना, देख मेरे बड़ों की बात मान, मामू मैं मान रहा हूँ, जरा फर्क हो जाओ, इसने आवाज करी है, मुझे पता है तू इसे छोड़ेगा नहीं, एक तरफ हटो, मान जा भाई, मेरी बात तो सुना पहले, मान जा, आवाज करिए ना, ना माने, अरे यामीन बेटा तू मना, हम वो आवाज पसंद नहीं करते, हमारे बिगर बोल जा कोई, हाँ बेटा मुझे ये तो पता है कि तू किसी, अरे हट जाओ, दूर हो जाओ, हमारे बिगर जैसे बोल जा, बिगर कहे बोल जा, बिगर हुकम के बोल जा, साले साले पिछला दूंगा, साले कर दूंगा तेरा, कर दूंगा साले, मिटा दूंगा दुनिया से, यम्मी तूने कैसी शरत रखी, नाश कर दूंगा, गला दूंगा, अब नहीं करेगा बेटा आवाज, अब नहीं करेगा, अब तो आवाज करने काबिल ही नहीं रहा, छोड़ दे दे, नहीं छोड़, छोड़ साले को, चल बेटा बैठ जा, चल बैठ जा, बैठ जा, और देर हो गई, चलो भाई चलो, हम भी पांच जूत तुझे ही मुबारक हो, मैं तो नहीं मरने वाली,